बच्चों आज हम शुरू करते हैं अनुनाद। अनुनाद क्या होता है? जब किसी योगी की गुणधर्म को एक संरचना द्वारा व्यक्त ना किया जा सके बल्कि उसको व्यक्त करने के लिए आपको एक से ज्यादा लुई संरचनाएं बनानी पड़ दे तो वह कहलाती घटना अनुनाद। जैसे आप यहाँ पे देखिए बेंजीन की इस लुईस संरचना को देख के आपको क्या मालूम पड़ता है कि बेंजीन में कितने प्रकार के बंध हैं। तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि भाई बेंजीन के अंदर दो प्रकार के बंध होते हैं, ये देखिए द्विबंध 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 एकल बंध एकल बंध एकल बंध। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन के अंदर तीन एकल बंध और तीन द्विबंध होते हैं। एकल बंध के लिए बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम जबकि द्विबंध के लिए बंध लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन जब बेंजीन का एक्स किरण अध्ययन किया गया तो उसके अंदर बंध लंबाई ना तो आपकी 1.54 एंगस्ट्रॉम पाई गई और ना ही 1.34 एंगस्ट्रॉम पाई गई बल्कि एक नई बंध लंबाई केवल एक ही प्रकार की एक बंध लंबाई पाई गई जिसका मान था 1.39 एंगस्ट्रॉम। इससे स्पष्ट हुआ कि बेंजीन के अंदर ना तो द्विबंध होता है और ना ही एकल बंध होता है बल्कि समस्त कार्बन के मध्य आंशिक द्विबंध उपस्थित होता है जिसकी बंध लंबाई 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। अब मुझे ये स्पष्ट करना है कि बेंजीन के अंदर जो बंध होता है वो केवल एक ही प्रकार का होता है और उसकी बंध लंबाई 1.39 यानी कि ये आंशिक द्विबंध उपस्थित होता है। तो मैंने क्या किया इसके लिए एक से ज्यादा यहाँ पर लुईस संरचनाएं बनाई कि मुझे स्पष्ट करना है कि बेंजीन के अंदर ना तो द्विबंध होता है और ना ही एकल बंध होता है बल्कि उसके अंदर आंशिक द्विबंध होता है। तो संरचना एक संरचना दो इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों से बिल्कुल भी ये स्पष्ट नहीं होता कि बेंजीन के अंदर आंशिक द्विबंध उपस्थित होता है। लेकिन इन दोनों में अगर ध्यान से देखेंगे तो द्विबंध की जो स्थिति है वो बदल रही है परावर्तित हो रही है। देखिए यहाँ पर गया ये यहाँ पर आया ये यहाँ पर आया। अब जब ये यहाँ पर चला जाएगा तो अगली जो संरचना बनेगी वो ये वाली होगी दूसरे वाली। क्लियर है आपको? और फिर ये देखिए ये यहाँ से यहाँ जाता है तो ये यहाँ पर जाएगा फिर ये यहाँ पर जाएगा। ये हो क्या रहा है? द्विबंध जो है इन दोनों संरचना से हमको स्पष्ट एक चीज होती है वो ये है कि द्विबंध जो है वो एक जगह पर जमा हुआ नहीं है बल्कि वो लगातार बेंजीन के अंदर एक वलय बना रहा है यानी कि लगातार वो अपनी जो है स्थिति को बदलता रहता है क्योंकि द्विबंध जो यहाँ पर है एकांतरित है। आप ध्यान से देखें द्विबंध एकल बंध द्विबंध एकल बंध द्विबंध एकल बंध। तो द्विबंध जो होता है वो लगातार बेंजीन के अंदर एक वलय बनाता है जिसको बोलते हैं पाई बंध वलय और ये लगातार घूमता रहता है। तो अगला जो है यहाँ पर ये जो यहाँ पे तीन बंध के द्वारा बनाया गया व्यक्त किया गया इसको बोलते हैं समतुल्य। तो समतुल्य से मालूम पड़ता है कि संरचना एक और संरचना दो के गुणधर्म जो है वो संरचना तीन में मिलते हैं। इन दोनों का ये मिश्रित संरचना है जिसका नाम क्या रखा गया अनुनाद संकर। संकर का मतलब ही मिश्रित होता है। तो जो संरचना एक और दो की विशेषताएं है वो संरचना तीन में आपको मिलेगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि बेंजीन के अंदर एक तो यहाँ पर ये पूरा बनाया हुआ एकल बंध एकल बंध एकल बंध एकल बंध और यहाँ पर जो ये टूटी हुई रेखा से व्यक्त किया जा रहा है ये है आपका आंशिक द्विबंध। तो इस अनुनाद संकर जो कि संरचना तीन है इससे स्पष्ट हो गया कि बेंजीन के अंदर आंशिक द्विबंध उपस्थित होता है। तो ये घटना ये है अनुनाद। फिर से स्पष्ट करता हूं जब किसी यानी कि मैं अगर बेंजीन में कोई बोले कि भाई बताओ बेंजीन में अनुनाद कैसे होता है सर, तो मैं फिर से बोलता हूं बेंजीन के अंदर आंशिक द्विबंध उपस्थित होता है। इसको व्यक्त करने के लिए हमको बेंजीन के एक से ज्यादा लुईस संरचनाएं बनानी पड़ती हैं और ये घटना ही कहलाती है अनुनाद। स्पष्ट है आपको? अब सवाल ये उठता है कि अनुनाद हमको पता कैसे चलेगा कहाँ होगा कब होगा? तो उसके लिए आपको अनुनाद की शर्त देखनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं अगला लेते हैं यहाँ पे अनुनाद की शर्त। अनुनाद की शर्त ये आपको याद भी रखनी पड़ेगी और ये बहुत उपयोगी है। बहुत सारे सवाल आते हैं नीट में एम्स में या फिर IIT JEE मेंस में तो वहां पर आपको पता कैसे चलेगा। तो आइए देखते हैं अनुनाद की शर्त क्या है। अनुनाद की शर्त के लिए आपको ये मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ सूत्र दे रहा हूँ ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। आइए देखते हैं एक द्विबंध B एकल बंध C। अगर यहाँ पर आपका
मुक्त मूलक आ जाए, ए बी वन बी एकल बन सी, इस पर या धनात्मक आवेश हो यानी कि ये कुछ ऐसा हो। तीसरा ए डी वन बी एकल बन सी, यहाँ पर आपका माइनस चार्ज आ जाए। तीसरा ए डी वन बी एकल बन सी, और यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ कोई द्विबंध हो, यानी कि मैं इसको कुछ ऐसे दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए ऐसे ऐसे, तो ये चार घटनाएं हैं। ये चारों घटनाएं अगर आपको किसी संरचना में मिल जाती हैं, दिखाई दे जाती हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए उसके अंदर अनुनाद होगा। ये तीनों शर्त यहाँ पे जो होती हैं कहलाती हैं संयुग्मन। तो संयुग्मन होना जरूरी है, आपकी दी गई संरचना में संयुग्मन होना जरूरी है। और संयुग्मन के लिए आप ये वाला सूत्र याद रखेंगे। यहाँ पर एक चीज और भी है, कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे सर बेंजीन में कहाँ पर है लगाइए सर, तो मैं स्पष्ट कर दूं ये तीनों समान भी हो सकते हैं और तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ये परमाणु समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सवाल ये कि सर बेंजीन में बताइए कैसे अनुनाद होगा, तो आइए देखते हैं। बेंजीन में अनुनाद होने के लिए जरूरी है पहले संयुग्मन का होना। तो हम लोग एक चीज करते हैं, हम लोग ये याद करने की कोशिश करते हैं कि क्या बेंजीन में संयुग्मन है। तो इन तीनों को ध्यान से देखेंगे, तीनों नहीं लग पाएंगे बेंजीन में, लेकिन चौथे वाली जो स्थिति है जो शर्त है वो पूरी करता है बेंजीन। कैसे देखिए, ए द्विबंध बी एकल बंध सी, और फिर से क्या आ गया द्विबंध। यहाँ पे देखिए द्विबंध एकल बंध द्विबंध, ये कहलाता है एकांतरण द्विबंध। तो एकांतरण द्विबंध बेंजीन में है तो मैं कहूंगा बिल्कुल है। देखिए द्विबंध एकल बंध द्विबंध एकल बंध द्विबंध एकल बंध द्विबंध, आप कहीं भी देखिए बेंजीन के अंदर द्विबंध की एकांतरण स्थिति है, और ये जन्म देती है संयुग्मन को। तो स्पष्ट हुआ कि अनुनाद बेंजीन में क्यों होता है, क्योंकि ये संयुग्मन की शर्त को पूरा करता है। तो स्पष्ट कर लीजिए ये चीज कि कहीं पर भी अगर आपको अनुनाद ज्ञात करना है तो उसके लिए प्रथम शर्त ये रहेगी कि दी गई संरचना में आपको ये चारों ढूंढने हैं, और इन चारों में से जो भी आपको मिल जाए, कोई एक भी अगर मिल जाता है तो निश्चिंत हो जाइए वो अनुनाद दिखाएगा। स्पष्ट है।